पशुपालक साथियों, मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई पशु चिकित्सक आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालक का ज्ञानवर्धन व पशुधन का उत्थान। काफी पशुपालक साथियों के सवाल थे कि जो अभी इस मौसम के हिसाब से जो चलने वाली बीमारियां हैं उनके ऊपर कुछ बनाया जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो गर्मी और बरसात का सीजन आने वाला है तो चिचड़ों की समस्या सबसे बड़ी एक समस्या है। पशुओं में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके अंदर जो मुख्यतः बीमारियां जो होती है उनमें मच्छर और चिचड़ों का बड़ा रोल रहता है। ये बाह्य परजीवी के तौर पे माने जाते हैं। मच्छर और चिचड़ ये एक ही खानदान के हैं और इनके अंदर आपस में ही कंपटीशन है। मच्छर आज भी नंबर वन में बीमारियां पैदा करने की स्थिति में बरकरार है और चिचड़ नंबर दो पे है। इसका एक कारण ये भी है कि मच्छर जो है वो उड़ सकते हैं लेकिन चिचड़ ना तो उड़ सकते हैं और ना जंप कर सकते हैं। चिचड़ को अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग किलनी बोलते हैं, कुछ लोग गोयड बोलते हैं, कलीले बोलते हैं, पठई बोलते हैं। कुछ पशुपालक साथी ये कहते हैं कि हमारा तो घर जो है चार दीवारी है, बंद है, तो चिचड़ आते कहाँ से? चार पांच ऐसी जगह हैं जहाँ से चिचड़ आते हैं। सबसे पहला, चिचड़ जो है वो कुत्तों को भी प्रभावित करते हैं, तो कुत्ते जो हैं वो आवारा घूमते रहते हैं तो कुत्तों से भी चिचड़ आ सकते हैं आपके घर में। दूसरा, पशुओं में गाय या भैंस में जब हम कृत्रिम गर्भाधान की बजाय प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हैं तो उनको जब हम खागड़ या जोठों के पास लेके जाते हैं तो वहाँ से भी चिचड़ आ सकते हैं। तीसरी बात, जब कई बार हम पशु नया खरीद के लाते हैं तो उस नए पशु के साथ भी चिचड़ आ सकते हैं। चौथी बात, कुछ पशुपालक साथी जिनको मैं अहिंसावादी पशुपालक साथी कहूँगा, वो क्या करते हैं, जब पशुओं को नहलाते हैं तो क्या करते हैं, चिचड़ तोड़ के और उस वहीं छोड़ देते हैं। वो पानी की नाली के साथ बहते बहते जब पूरे गांव का पानी उस जोड़ में या तालाब में चला जाता है तो वहाँ चिचड़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जिन पशुपालक साथियों का घर जोड़ या तालाब के पास है वो अपने पशुओं का चिचड़ मैनेजमेंट का जो ध्यान है वो विशेषतः रखें। एक कारण ये भी है कि जो पशुपालक साथी अपने पशुओं को जोड़ या तालाब में नहलाने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ से भी आपके घर में चिचड़ आ सकते हैं। चिचड़ प्रत्यक्ष तौर पे पशुओं का शत्रु है और अप्रत्यक्ष तौर पे पशु मालिक का भी। तो हमें हमारे शत्रु की पहचान करने के लिए हमें उसका ये पता होना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है, किस मौसम में आता है, कैसे पनपता है, क्या दिनचर्या होती है। चिचड़ों की जो है 150 से ज़्यादा प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है। चिचड़ मोटे मोटे दो वर्गों में बांटे गए हैं, एक तो सॉफ्ट टिकट जिनकी खाल नरम होती है खुद की, और दूसरा हार्ड टिक, इनकी खुद की जो हार्ड टिक है उनकी खाल जो है वो सख्त होती है। गायों और भैंसों में दो तरह के चिचड़ पाए जाते हैं जिनको हम बूफिलस माइक्रोप्लस या हाइलोमा एनाटोलिकम एनाटोलिकम नाम से जानते हैं। एक चिचड़ कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कुछ चिचड़ की प्रजातियाँ तो एक ही पशु पर सारी अवस्थाएँ पूरी कर लेती है और कुछ चिचड़ अपनी सभी अवस्थाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग पशुओं की फिराक में रहती है। चिचड़ों की चार तरह की अवस्था होती है, एक तो अंडा, दूसरा अंडा फूटने के बाद जो अवस्था बनती है उसको हम लार्वा बोलते हैं, लार्वा खून पी के अपने आकार को बदलता है उसको हम निम्फ बोलते हैं, निम्फ जो है वो खून पी के अपने आकार को बदलता है और उसको हम चिचड़ बोलते हैं, और वो फिर नर और मादा अलग अलग लिंग के हिसाब से बदल जाते हैं। चिचड़ों के बारे में विशेष बात यह है कि इनकी मादा जब एक बार में अंडे देती है तो 3000 से ज्यादा अंडे देती है। दूसरी बात, अगर इनको खून ना मिले तो भी ये एक से लेकर 1.5 साल तक जिंदा रहते हैं। चिचड़ों का साम्राज्य मुर्गी से लेकर ऊंट तक और जो जंगली प्रजातियां हैं उनके अंदर भी चिचड़ पाए जाते हैं। गाय और भैंस की बात करें तो गायों के अंदर चिचड़ ज़्यादा लगते हैं और भैंसों के अंदर चिचड़ कम लगते हैं। उसका एक कारण ये है कि गायों के अंदर शरीर में बाल ज़्यादा होते हैं तो चिचड़ को छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। गायों की जो चमड़ी है वो भैंसों की अपेक्षा पतली और नरम होती है, इसलिए उनको भेदना भी आसान रहता है। अगर हम उम्र की बात करें तो चिचड़ों का अध्ययन करने के लिए पशुओं को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, 1 साल से नीचे, 1 साल से लेकर 3 साल और 3 साल से ऊपर। तो शोध में ये देखा गया है कि 1 साल से नीचे वाले जो गाय भैंस के कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी हैं उनमें चिचड़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा नंबर 1 से 3 साल की कैटेगरी वालों का आता है और 3 साल से ऊपर वाले पशुओं के अंदर चिचड़ों की प्रभाव की क्षमता है वो कम होती है। अगली बात है कि चिचड़ शरीर के किस जगह पे लगती है। तो ज़्यादातर जो जागरूक पशुपालक हैं वो आप जानते ही हैं कि चिचड़ एक गाय या भैंस की हम बात करें तो उसका जो लेउटी है, अडर है,
अडर के चारों तरफ जो जंग वाला हिस्सा है उसके अंदर और अडर के जो थन है थनों के बीच में भी, उससे हम ऊपर चलें तो जो योनि है उसके भी दोनों तरफ छुपी हुई जगह पे, उसके बाद ऊपर बात करें तो पूंछ के नीचे और गुदा द्वार के आसपास, उसके बाद में हम आगे चलें तो आगे वाले पैरों के बीच में, गर्दन के साइड में, और जहाँ अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो ये भी देखा गया कि कान के किनारों पर, कान के जड़ के नीचे, सींग की जड़ के नीचे और आँखों की भौहें जो होती है उन पे भी चिचड़ लगे होते हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक चिचड़ एक से लेकर डेढ़ साल तक बिना खून के भी जिंदा रह सकता है, तो इसका मतलब ये पूरे साल ही पाए जाते हैं। लेकिन चिचड़ जब अंडे देते हैं उन अंडों को फूटने के लिए वातावरण का तापमान और उसमें नमी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए चिचड़ बारिश वाले मौसम में ज़्यादा होते हैं। सितंबर के आसपास चिचड़ों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखी गई है और सर्दियों में जनवरी के मौसम के अंदर चिचड़ों की संख्या जो है सबसे कम होती है। चिचड़ों की संख्या पशुओं के प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। जिन पशुपालक साथियों ने अपने पशुओं को खुले में रखा हुआ है उनके चिचड़ कम लगते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि आवारा जो पशु घूमते हैं उनके चिचड़ कम होते हैं, और जिन पशुपालक साथियों ने अपने पशुओं को बांध के रखा हुआ है, और बांधने में भी कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी जगह के अंदर जब बहुत सारे पशुओं को नजदीक बांध देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर चिचड़ों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। चिचड़ पशुपालन से संबंधित सभी प्रजातियों को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नुकसान भी दूध पे, मांस पे, ऊन पे और खाल पे, सभी पे पड़ता है। चिचड़ जो पशुओं में नुकसान करते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से नुकसान और एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान। प्रत्यक्ष रूप से चिचड़ चार तरह का नुकसान करते हैं, पहला खून चूसते हैं, दूसरा शरीर के भार को घटाते हैं, तीसरा उसके खाल को नुकसान करते हैं, और चौथा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं उसको बोलते हैं तनाव, स्ट्रेस, इसको हम टिक वरी भी बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपने देखा होगा कि अगर एक आदमी को मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके पास खड़ा कर दें और मधुमक्खी को छेड़ दें, जब आपके मधुमक्खी चारों तरफ घूम रही है लेकिन वो काट नहीं रही, फिर भी एक मनुष्य के दिमाग में इस तरह की टेंशन रहती है कि अभी काटी, अभी काटा, अभी काटा। ठीक उसी तरह जब चीचड़ वाली जगह पर पशु बंधा रहता है तो उसके दिमाग में इस तरह की टेंशन रहती है जिसको टिकवरी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले नुकसानों के अंदर तीन मोटे मोटे नुकसान हैं। सबसे पहला जो हीमोप्रोटोजोन डिजीज होती है, जो खून के परजीवी है, उनसे होने वाली बीमारियों का ये एक आसान रास्ता है, जैसे थाइलेरियोसिस, बबेसियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस। इन बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो चिचड़ के द्वारा पशु के अंदर छोड़े जाते हैं। चिचड़ की चारों अवस्था एग, लार्वा, निम्फ और चिचड़, इनमें से कोई भी जब पशु के चिपकता है तो पशु क्या करता है, पशु अपने आजू बाजू जो भी हार्ड सरफेस है, सख्त जो सतह है, उससे रगड़ता है। रगड़ने से चमड़ी की पहली परत उतरती है, चमड़ी की परत उतरते ही उस जगह पर एक चिपचिपा पदार्थ आता है और वो मक्खियों को आकर्षित करता है। मक्खियां जब उसको कुरेदती है तो फिर उसके और ज़्यादा इस तरह की खुजली होती है, तब पशु और ज़्यादा रगड़ता है, और इस तरह बार 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 रगड़ने से जो पशु की चमड़ी है उस पर जख्म हो जाते हैं, और ये जख्म बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इन बीमारियों को आकर्षित करते हैं। तीसरा, लगातार खून पीने की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया बोलते हैं, और एनीमिक पशु जो होते हैं वो गाभिन नहीं होते, और इस गर्मियों के मौसम में अगर खून की कमी है और हरा चारा ना होने की वजह से उसके पोषण की कमी है, में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वातावरण का तनाव है, तो इन तीनों इकट्ठे तनाव मतलब एनीमिया, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये तीनों परिस्थितियां इकट्ठी हो जाती है तो पशु के गाभिन रहने के चांस भी कम हो जाते हैं। एक शोध में ये देखा गया है कि एक चिचड़ जब खून पी के बड़ा चिचड़ बन जाता है, गोल मटोल जिसको आप देखते हो, वो 0.5 ml से लेके 2 ml तक खून पीता है, और दूध के अंदर 9 से लेके 10 ml तक दूध घटा देता है, और शरीर के भार की बात करें तो 1 gram वजन कम हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम ऐसे 100 चिचड़ माने तो आप उनको 100 से गुना कर लो, इतना पशु को नुकसान करते हैं, इसलिए इनको आप हल्के में ना लें, ये बहुत ही खतरनाक परजीवी है, ये दिखता छोटा है लेकिन खोटा बहुत है। एक रोचक जानकारी जो कि ये अपने होस्ट को या अपने जिस पशु के चिपकना है उसको कैसे पहचानता है, ये 8 टांगों वाला परजीवी इसकी जो अगली टांगों का जो जोड़ा होता है
उसके अंदर हेलार नाम का ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन की वजह से यह जिस पशु के चिपकता है उसकी गंध को पहचानता है, उसके तापमान को पहचानता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी विसर्जित करता है, इन तीनों को पहचान के ये अपने होस्ट के चिपकता है। एक राजस्थानी में कहावत है, जब पशु के मरने का समय आ जाता है तो चीचड़ भी छोड़ के उसको चले जाते हैं। जब पशु के मरने का समय नजदीक आता है तो उसका शरीर का तापमान ठंडा पड़ने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो जाता है और उन्हीं सेंसेस से ये चीचड़ देख लेते हैं और अपना रास्ता बदलते हैं। इन चीचड़ों का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उसका अंग्रेजी इलाज क्या है, उसका देसी इलाज क्या है, उसका होम्योपैथिक इलाज, उसको हम आपको अगले भाग में बताएंगे।